आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने बालों के लिए अलसी का जेल किस तरीके से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जेल आपके लिए बहुत बेनिफिट्स करेगा आपके बालों के लिए, और ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे बनाना है, पर चलिए पहले हम थोड़ा सा अलसी के बारे में जान लेते हैं। अलसी आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी खुले पैक में, या फिर इस तरीके से भी मिल जाएगी, ये लैक्टी फाइबर के नाम से। और आप देखिए, अलसी के जो बीज होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, और ये कितने फ़ायदेमंद हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए कितनी लाभकारी है। सुपर फूड कही जाने वाली ये अलसी के कई फ़ायदे हैं, जो अंदरूनी ही नहीं बाहर के भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। अलसी में ओमेगा 3, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है। अलसी में बड़ी मात्रा में फाइबर होता है, और इसका नियमित सेवन करने से कब्ज और पाचन से जुड़ी अन्य समस्याओं से निजात मिलता है। और अलसी में विटामिन बी होता है, जो त्वचा की समस्याओं को लड़ने में बहुत सहायता करता है। और अलसी का सेवन करने से बाल मुलायम और मजबूत होते हैं। आप चाहें तो अलसी को ऐसे भी खा सकते हैं, अदरवाइज आप इसका जेल बनाकर अपने बालों में लगाइए। इससे आपके बालों को पोषण मिलता है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक होता है। और ये मतलब जो जितना इसके बारे में बताया जाए उतना कम है, क्योंकि ये जो अलसी के बीज होते हैं आपके बालों की बहुत अच्छे से पोषण देते हैं और रक्षा करते हैं। तो चलिए आगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे इसको बनाना है, फिर मैं बताऊँगी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पैन में पानी ले लेना है, जैसे कि ये मैंने आधा ग्लास से ज़्यादा पानी लिया हुआ है इसमें। और आप इसमें डाल देंगे अलसी के दाने, ये हमने इसमें दाने डाल दिए हैं। अब हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छे से हमारा जेल जो है बन चुका है और उबल चुका है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बनकर ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम एक बाउल ले लेंगे छोटा सा, जिसमें हमारी मसाज हो सके बालों की। तो आपके बालों की जितनी ग्रोथ है उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा साफ ले लीजिए और उसमें इस जेल को कलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, इस अभी इसमें भाप भी आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, और फिर आप इसको छान लीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसको गर्म ही छानना है, ना कि ठंडा होने का वेट करना है, क्योंकि अगर आप ठंडा होने का वेट करेंगे तो ये जेल है ये इन जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनमें ही चिपक के रह जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से छान लीजिए अच्छे से। अभी किस तरीके से मैंने इसका ये जेल बना लिया है अलसी के बीजों का, तो जो अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे खाने में, या फिर इस जेल का यूज़ करेंगे जब भी आप अपने बाल धोएं तो इसको यूज़ करेंगे, तो ये आपके बालों को बहुत अच्छा पोषण देगा, और आपके बाल जो हैं बहुत ही मजबूत बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे घने मुलायम बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस जेल को देखिए काफ़ी गाढ़ा जेल बन चुका है ये, और इस जेल को लेना है और अपने बालों की जो रूट्स होती हैं यानी कि जड़, उसमें इस तरीके से लगाना है। आप चाहें तो पूरे बालों में लगा सकते हैं, और एक से दो घंटे के लिए आपको छोड़ देना है इसको लगाकर, और फिर अपने बालों को आप धो लीजिए। ये आपके बालों को बहुत नरिश करेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जैसे मैंने बताया कि इसको यूज़ करने से आपके बाल मुलायम हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और अलसी का यूज़ करने से बालों को एक न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है, जिससे बालों का झड़ना बहुत कम हो जाता है। और अलसी के तेल को बालों पर लगाने से रूसी की समस्या भी कम हो जाती है। आप किसी भी मेडिकल से इसका ऑयल भी ले सकते हैं, और ये अलसी का जो जेल है आप इसको यूज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अलसी आपके लिए बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।